नेक्स्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं बाल विकास की अवस्थाओं के उपनाम। जैसे कि शैशवावस्था के बारे में आज हमने बताया, ठीक है, शैशवावस्था से रिलेटेड ये पॉइंट हमने बता दिया आप लोगों को, जी देख सकते हो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और अब आप देखोगे जो भी अवस्थाएं होती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, शैशवावस्था, बाल अवस्था में देखे पूर्व बाल अवस्था जिसको अर्ली या फॉर्मर चाइल्डहुड कहते हैं, एज 2 से 6 साल, 4 साल का पीरियड, उत्तर बालकाल 6 से 12, 6 साल का पीरियड, किशोरावस्था इसमें कोई छेड़खानी नहीं करता भैया, भैया 12 से 18 सभ्य शास्त्र यही बोला 6 साल 12 भैया, जैसे इसको पढ़ने का मन है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, जो करना भैया करो, है कि नहीं। उसके बाद युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40, देखिए प्रौढ़ावस्था में 3 पार्ट, युवा, परिपक्व 40 से 65 और वृद्धा। तो मेन फोकस है हमारा इन बाल विकास की अवस्थाओं के क्या क्या उपनाम है इस पर फोकस करना। तो आप देखोगे शैशवावस्था इन्फेंसी, अगर जितना भी बाल विकास के जितना भी स्टेज है 5 या 7, सबसे अगर आदर्श काल है तो सीखने का आदर्श काल किसको कहते हैं, शैशवावस्था को कहते हैं। क्यों, मतलब आइडियल स्टेज ऑफ लर्निंग, जो सिखाओगे वो बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट भावी जीवन की आधारशिला, जी आगे कैसा बनेगा वो आप आधार अभी ही रख सकते हो, क्योंकि शैशवावस्था वाले बच्चे एक गीली मिट्टी की तरह होती हैं, आप जैसा चाहो रूप उसको ढाल सकते हो। शैशवावस्था वाले बच्चे एक खाली चुकनी की तरह होती है जिसमें सिक्का रुपया नोट डालने की आवश्यकता पड़ती है, आप जैसा सिक्का नोट डालोगे वो एब्जॉर्ब सब कर लेगा, क्लियर। तो भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था। बहुत लोग को लगता है कि बुतरू का जाने का समझता है, लेकिन नहीं, शैशवावस्था में सब समझता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जी वो फॉलो बहुत करते हैं, स्कूल में घर में किसी को भी फॉलो जरूर करते हैं, तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, एकदम तीव्र से शारीरिक विकास की अवस्था भी देखने को मिलेंगी, और क्षणिक संवेग की अवस्था देखने को मिलती, तुरंत देखो कुछ भी हो बच्चा उठ जाता बोलो, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे देखने को मिलती है कई सारी बातें।